जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन सभी साथियों के लिए जो एयरफोर्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपडेट अभी की बिल्कुल बहुत ही अच्छी न्यूज है उन सभी के लिए। अभी मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। जितने भी बच्चे एयरफोर्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही जो न्यू इनरोलमेंट का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं कि कब से एयरफोर्स की वैकेंसी शुरू होगी, इसके बारे में क्या जानकारी जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, वो पूरी की पूरी ऑफिशियल चीजें हैं, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एयरफोर्स वाले बच्चे कई दिनों से लगभग अब इंतजार की का भी अंत हो गया है। सनी देओल की जो फिल्म का वो डायलॉग है बार बार याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिली है तो सिर्फ एक तारीख। और ये बच्चे पिछले लगभग एक साल से इन तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। बार बार अपडेट आती है, छोटी मोटी खुशी होती है, फिर उसके बाद में फिर कोरोना काल के नाम पे वापस नीचे हो जाती है। लेकिन अब लाडलो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको कुछ दिनों का और इंतजार करना है। अब कितने दिनों का इंतजार करना है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जितने भी बच्चे जो एयरफोर्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या जो न्यू इनरोलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, जो नए बच्चे जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंतजार नहीं करना है। आप सभी को बता दूं, लगभग आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार है। और पिछले दो साल से इन वैकेंसियों का पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है, कोई खास वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी देश अपनी डिफेंस को कमजोर नहीं करता है, भले उस देश का बजट कितना भी खराब क्यों ना हो, कोई भी देश अपनी डिफेंस को खराब नहीं करता है और अपनी डिफेंस की पावर को हमेशा बढ़ाने में रहता है। कोई भी देश हो, बोले छोटे से छोटा देश भी अपनी पावर दिखाने के लिए डिफेंस काम है। तो ये चीज कोई भी ना सोचे कि सीटें कम होगी। मैं आपको बता दूं, दो साल में जो वैकेंसी नहीं होगी उसकी पूर्तियां अब होने जा रही है। जैसे वैकेंसी निकलेगी, बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकलेगी, जिनकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी होगी, तो आपको अभी से तैयारी करना है। साथ ही एक चीज और बता दूं लाड़ दूं कि नेवी एयरफोर्स का हम गारंटी बेस्ड लॉन्च कर दिया है। जितने बच्चे नेवी एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी करते हैं, उनको अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो 100% फीस वापस। 100% का मतलब 100%, यानी एक रुपया भी आपका फीस का नहीं लगेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। और फीस भी बिल्कुल नाम मात्र की, आपको 30,000 रुपए जमा कराने हैं बतौर गारंटी के तौर पर, गारंटी बेच के तौर पे, और उसके बाद में प्रति महीना 6,000 रुपए। अगर आप दो साल में नौकरी नहीं लगते तो आपके 30,000 रुपए वापस। अगर आपको एडमिशन लेना है, मैं आपको बता दूं हमारे एकेडमी कुचामन सिटी राजस्थान में है। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और भी आपको जो जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। गारंटी का मतलब मैं आपको बता दूं, अभी हमारा एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया था उसमें 51 में से 40 बच्चे पास है। तो जितने भी बच्चे और उनके पेरेंट्स देख रहे हैं वो इस रिजल्ट को देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गारंटी, नहीं तो 100% फीस वापस। अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए गुड न्यूज कैसे है। जैसे ये आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, ये आप इसमें देख लीजिए, जो ये कोर्ट में अप्लाई किया गया, हाई कोर्ट में, उत्तराखंड के हाई कोर्ट में अप्लाई किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें भी एयरफोर्स की तरफ से रिजल्ट लेने के लिए या इन बच्चों को नोटिस देने के लिए 2 से 3 पिटीशन फाइल हो गई है, जिनका जवाब भी आ गया है। और हाईकोर्ट ने इस पर जल्दी से जल्दी इस रिजल्ट की घोषणा और साथ ही बच्चों को एक नोटिस जारी करने के आदेश भी दे दिए। तो अगर हाईकोर्ट ने इसकी कमांड ली है तो आप सोच लीजिए कि हाईकोर्ट ने अगर आदेश दिए हैं तो वो पालना होगी ही होगी। अब मैं आपको बता दूं कि मई अंत, यानी ये मान के चलिए कि मई का महीना आपके लिए, इस मई का अंत होगा आपके लिए शुभारंभ हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी 100%। यानी मई अंत तक आपको 101%, ये वीडियो आप नोट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यानी मई के, अभी आज सभी को पता, आज 12 मई है और अब आपके पास में 18 से 20 दिन है, इसके अंदर अंदर यानी 30 मई से पहले पहले आपके रिजल्ट की घोषणा या उससे संबंधित एक नोटिस आ जाएगा आपके पास में। और साथ ही जो न्यू इनरोलमेंट होगा, यानी जो नई वैकेंसी होगी, उसका भी नोटिफिकेशन या कोई ना कोई नोटिस सही रूप से, कि उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरी की पूरी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। साथ में इसके अलावा जो हाईकोर्ट वाला नोटिस है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या बोला हाईकोर्ट ने, और साथ में स्पेशली तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन की इनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप जरूर दीजिए। और एसीपीडीसी ने फाइल हो गई है और उनको हाईकोर्ट में बिल्कुल सुनाई होगी। तो जितने भी बच्चे हैं अब इंतजार कर रहे हैं, अब आपका इंतजार खत्म होने को है, बस ये मान के चलिए 20 से 25 दिन का इंतजार आपका और है। तो अब अंतिम समय, आपको इंतजार नहीं करना। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो नई वैकेंसियां हैं वो भी आपको मई अंत तक या जुलाई 1 में शुरू होने वाली है। भाई जय हिंद, जय भारत, लाड लो।